अगेन आपको लेके आ चुका हूँ मैं राहुल भाई के पास और पीटीपी का वीडियो होने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं सैंपल के लिए कुछ मैंने यहाँ पे लगा दिए, सारे नहीं खोलेंगे लेकिन इनमें से ज्यादातर खुलवा दूंगा मैं आप लोगों के लिए डिमांड के लिए। बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। 3,000 रुपए का मोबाइल लेके आप 10,000 रुपए तक कभी सेल कर सकते हैं। रिस्क बहुत कम है और प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला आराम से इस वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर बीच में स्किप करेंगे तो मिस कर देंगे जो नॉलेज और जो शायद ऐसी भी हो सकती है जो आपके बहुत ज्यादा काम की हो। करते वीडियो को स्टार्ट। अच्छा है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब है, थोड़ा सा हौसला बढ़ा दिए। चलो करते हैं स्टार्ट। आज क्या लेके आया? P2P जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं P2P लगा दिया है। तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों का कंपेयर करके रेट दिखाएंगे और जो सस्ता ना मिले ना गारंटेड मेरी वीडियो देखना बंद कर देना। ये लो भाई चैलेंज प्राइस दे रहा हूँ, चैलेंज प्राइस। अगर फ्लिपकार्ट से सस्ता ना हो फ्री। ये लो बता दिया मैंने आपको, चैलेंज प्राइस दे रहा हूँ चैलेंज। और मार्जिन कितना कमा लेंगे? सस्ता ना हो चैलेंज प्राइस है। लो मार्केट से भी सस्ता और वैसे भी, और गारंटेड कह रहा हूँ गारंटेड। एक तो मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग फालतू की फॉल ज्यादा करते हैं। वो ना करें यार, वो ना करें। 10 से 7 फोन करें, व्हाट्सएप पे मैसेज दे दे, रिप्लाई जरूर मिलेगा 100%। तो आज कितने से स्टार्ट हो जाता है P2P? 3,000 से नहीं कम हो जाता? 2,500 रुपए से 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, 3,500 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, मेरे से फोन ले जाओ कोई भी फोन। इतने इतने मॉडल दूंगा ना आपको, उसपे अच्छे अच्छे मॉडल दूंगा, कमाई के सौदे बताऊंगा, प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो, कंपेयरिंग बताऊंगा आपको कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हो, फ्लिपकार्ट कैसा आता है, अमेजोन कैसा आता है, क्या कंडीशन होती है, सारी जानकारी मिलेगी इसमें। और नॉर्मली हर फोन पर 2,000 रुपए तो कमाई सकते हो? 2,000 से ऊपर का बताऊंगा अभी, 2,000 से ऊपर सारा, 2,000 से ऊपर, और 50,000 से 1,00,000 रुपए तो आपको कमाने का मौका बताऊंगा कैसे कमा सकते हैं आराम से। हमारे पास रिफर्बिश आप बना के बेच सकते हो, अपना खुद का ब्रांड बनाओ, खुद का ब्रांड बना। मैं नहीं कह रहा कि मैं बनूंगा, आप खुद बनाओ ब्रांड यार। सुपर एकदम। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं भाई, क्या क्या दिखाएंगे? तो अभी वेट आपको ब्रीफ करके बताएंगे, सारी चीजें कंपेयर करके खोल के सारी डिटेल बताएंगे आपको, ठीक है? ओके। आप हमसे कैसे जुड़ सकते हो सारी जानकारी। हाय रवि जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपका पुराना प्यार बहुत अच्छा रहा, हमारे सारे व्यूअर्स ने बहुत प्यार दिया हम लोगों को, दोबारा से आपका प्यार हम चाहते हैं हमें मिले। बिल्कुल, सारे कस्टमर्स, सारे व्यूअर्स, सारे डीलर्स को हमारी तरफ से। तो सर एक जैसे छोटा सा एक ये सवाल भी आ जाता है कि भाई हमें सिंगल ये जो सस्ते पड़ते हैं, कोई सिंगल बंदा कहता है मुझे ये चाहिए तो सिंगल वो ले सकता है? रिक्वेस्ट ली है सारे कस्टमर से, प्लीज सिंगल बाई ना करें, ये सिर्फ होलसेलर ओनली, सिर्फ होलसेलर्स के लिए, मिनिमम 5 पीस। और इन्फॉर्मेशन सारी हम वीडियो में कवर करेंगे, तो नो इन्फॉर्मेशन वो बंदा ले जिसको मतलब 10-20 लाख 50,000 तक चाहिए। बिल्कुल, प्लीज विजिट ज्यादा से ज्यादा करें। विजिट पे आप एक चीज में और बता देता हूँ, आप विजिट करें इसकी गारंटी दे रहा हूँ कि आप लेके ही जाएंगे। बिल्कुल 100% गारंटी दे रहा हूँ, 100%। ये लो। अगर आपका खर्चा लगता है वो भी मैं पे करूंगा, अगर आप मेरे से सेटिस्फाई नहीं हुए। तो जहाँ से भी आप आते हैं, गुजरात से आए, अहमदाबाद से आए, आगरा से आए, कहीं से भी आए, आसाम, कहीं से भी आए, मैं आपका उसका पूरा खर्चा दूंगा। ये लो, अगर आपका सेटिस्फाई नहीं हुए तो प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप एक बार विजिट करके देखें। कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ ये चीज, मुझे एक्सपीरियंस है, कर रहे हैं रात दिन ये वाला काम कर रहे हैं हम। बिल्कुल, क्या होने वाला है अब यहाँ देखते हैं। होने वाला सबसे बड़ा यही है जैसे कि राहुल ने बताया, आज बेसिकली वीडियो का मोटिव यही है, एज एजुकेशनल वीडियो, हम हर बार बोलते हैं एजुकेशनल वीडियो है। बिल्कुल सेम, दोबारा से रिपीटेड हम एजुकेशनल वीडियो लेके आए, सिर्फ जानकारी देंगे जिनको बिजनेस करना है और कैसे करना है, कहाँ से और कैसे स्टार्ट करना है। हम फ्लिपकार्ट भी करते हैं। ओके, अभी रिसेंटली हम लोगों ने फ्लिपकार्ट स्टॉप कर दिया है क्योंकि आपको पता है कि फ्लिपकार्ट में 4 तरह की कैटेगरी आती है P1, P2, P3 और P4 और P4 और P5 भी आ गया सर। P5 भी आ गया, ये P5 भी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं प्राइस कंपैरिजन बोलूँ ना, जैसे कि हमारा, आप ये देखिए अमेजोन हमारा ऑलरेडी सबको पता है कि हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस जो है SS रिटेल मोबाइल बीच शॉप नंबर 5 प्लॉट नंबर 1415 दन कॉम्प्लेक्स बदरपुर बॉर्डर नई दिल्ली। सेम एड्रेस हमारा फ्लिपकार्ट का भी है, हम लोग फ्लिपकार्ट भी करते हैं। दन SS रिटेल सेकंड फ्लोर SCO 17 लकी मार्केट सेक्टर 31 फरीदाबाद 12101। आज बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन वीडियो है क्योंकि जो बेसिकली डीलर्स ऐसे हैं जो 2 लाख 5 लाख रुपए की पेटी लेना चाहते हैं। बिल्कुल, अब कोई ऐसा डीलर है जो एप्पल नहीं खरीदना चाहता, मान लीजिए उसको वीवो चाहिए, नहीं खरीदना चाहता, सिर्फ 5 पीस ऐसे बाय करना चाहता है क्योंकि उसके एरिया में सिर्फ रेडमी चलता है। रेडमी चलता है, तो हम चाहते हैं कि वो हमसे सिर्फ रेडमी बाय करे,
लेकिन फ्लिपकार्ट के केसेस में क्या होता है कि आपको पूरी पेटी बाय करनी पड़ती है जिसमें आपको सैमसंग एप्पल वीवो एमआई सारे मिलेंगे। उसके एरिया में एप्पल वीवो ना चलता हो तो वो पीसेस तो उसके स्टक हो गए ना, जो प्रॉफिट आने वाला है वो उसका स्टक हो गया। हम कहते हैं कि सर जो आपका बिकता है वो अब हमसे बाय करो, बस अपना प्रॉफिट वाली चीज लेके जाओ, आप अपना प्रॉफिट कमाओ। हम अपना प्रॉफिट ऑलरेडी रख के कमाते हैं, 50 रुपए पर पीस का हमारा मार्जिन होता है। हम सारे होलसेलर्स को बोलते हैं प्राइस आप कहीं भी कंपेयर कर लो, दिल्ली एनसीआर ऑल ऑफ इंडिया का चैलेंज है। राहुल हर बार ही बोलता है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस के लिए आप चैलेंजिंग है। प्राइस हमारा बिल्कुल लोएस्ट होता है, हम मिनिमम 50 रुपीज पर पैकेट पे मार्जिन पे काम करते हैं, मार्जिन पे काम करते हैं। आपको दिखा देता हूँ कंपेरिजन बिटवीन में क्या होता है। जैसे थोड़ा सा आप नियर बाई कर लीजिए, मैं 2-4 पीसेस हैंड टू हैंड साथ में खोल भी दूंगा। जैसे नोकिया 6.1, मैं अगर फ्लिपकार्ट की बात करूं तो प्राइसिंग है 4794, बिल्कुल, जिसमें आपका P1, P2, P3, P4 यहाँ पे बेसिकली कैटेगरी नहीं होती। अमेजोन में कैटेगरी नहीं होती, अमेजोन मतलब में कोई कैटेगरी नहीं होती, ना ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, जिसको हम फ्लिपकार्ट में P1, P2, P3। इसमें जैसा आया कस्टमर्स का वैसा होता है, इसमें अच्छा भी आता है, हल्का फुल्का माइनर यूजर्स के साइन होते हैं, हल्के फुल्के डेंट्स भी हो सकते हैं, बट 90% स्टॉक बहुत वेल गुड कंडीशंस में आता है। ओके, अमेजोन डैमेज फोन्स नहीं रिसीव करता, मैं दोबारा बता देता हूँ, अमेजोन डैमेज फोन रिसीव नहीं करता, ग्लास ब्रोकन वाले रिसीव नहीं करता। तो ऐसा कभी कभार होता है अगर डैमेज आ गया, वो ट्रांसपोर्टेशन डैमेज होता है, बिल्कुल 5-10% का रिस्क रहता है, आपको पता है, थोड़ा मोटा रिस्क आपको लेके चलना पड़ता है। धंधा ऐसा है कि 5-7% का रिस्क आपको लेके चलना पड़ेगा। जी जी, राहुल कंपेरिजन बिटवीन, मैं एक राहुल से बोल देता हूँ कि नोकिया 6.1 प्लस अगर मेरे पास बात करूँ, जो मेरे पास अमेजोन का प्राइस है वो 4050 का प्राइस है। ओके, और जो मैं अगर फ्लिपकार्ट की बात करूँ यही पे वो प्राइस 4794 रुपए का, 4794, मतलब 800 रुपए का गैप, 800 रुपए का। आप जो प्रॉफिट कमाने वाले हो ना, वो प्रॉफिट आपको फ्लिपकार्ट में ऑलरेडी बेयर करना पड़ रहा है। मतलब जो फोन हमारे पास 4050 रुपए का है वो आप फ्लिपकार्ट में कितना खरीदोगे, 4800 रुपए का। हम कितने का आपको दे रहे हैं, मात्र 4050 रुपए। अगर आप उसे 4500 रुपए में बेचते हो ना तो 500 रुपए का आपका मार्जिन है, लेकिन यहाँ 4800 रुपए का अगर बाय करते हो तो कितने का बेचोगे सर? ये दुकान में सिर्फ आपके शोभा ही बढ़ाएगा मेरे ख्याल से। इसीलिए हम सारे कस्टमर्स को ये बोलते हैं, सारे डीलर्स को ये बोलते हैं कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बाय करो। बिल्कुल, अभी मैं खोल के कंपेयर करके आपको बताता हूँ। देखो आपके सामने बी ग्रेड निकले, सी ग्रेड निकले, डी ग्रेड, सबके रेट कंपेयर करूंगा, सारी जानकारी दूंगा, पैकेट आपको ये बता देता हूँ। देखो आपके सामने पूरा सील्ड है, अमेजोन से उसके घर से कस्टमर के पिकअप होके आया, कस्टमर का एड्रेस भी लिखा हुआ है यहाँ पर, मुंबई का एड्रेस है, मुंबई से होके पिकअप होके आया है, आपको सीधा 50 रुपए मार्जिन पे मैंने आपको प्रॉफिट करा दिया। और इसमें एक चीज और है, मैं यहाँ पर डैमेज भी कवर कर रहा हूँ, आपको मिसमैच भी कवर कर रहा हूँ, कस्टमर से रिपेयर अगर इसमें कोई खर्चा भी है वो भी मैं आपको सही करके दूंगा, वो भी सही करके देंगे। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए आपको बताइए, आपको सिर्फ 400 रुपए ऊपर, 400 रुपए ऊपर लूंगा बस। अभी मैं आपको सिर्फ 4050 रुपए में ऐसे ही एज इज में देता हूँ। पैकिंग आप देख सकते हैं अमेजोन की है, ये फुल अमेजोन का पैक्ड है और जैसे आया वैसे निकलेगा। अब 4050 वाला फोन ही खुलने के बाद अब इसकी कंडीशन देखो, बिल्कुल ब्रांड न्यू निकली है, और बिल्कुल चेक करा देता हूँ ऑन है कि नहीं, मेरे ख्याल से बैटरी नहीं है, बाकी 100% ऑन मिलेंगे पीसेस, जितने भी पीसेस होंगे सारे 100% ऑन होंगे। मैं ऑन ही कर देता हूँ, मैं दूसरा पीस भी खोल देता हूँ साथ में, ये दूसरा वाला खोल लेते हैं साइड में, तब तक पावर बैंक पे लगा, डीप चार्ज है। अगर मैं इसकी कंडीशन की बात करूँ ना, मैं अगर फ्लिपकार्ट में यही पीस लेने जाऊं तो ये P1 कैटेगरी में इसकी वैल्यू सीधे सीधे 800 रुपए बढ़ जाती है, जो मेरे पास इसकी वैल्यू है। एक एक खोल दिया भाई ना, पीस भी आप चेक कर लो, सारे पीस इसी तरीके से निकलेंगे। ये कंडीशन आप देखो, ये कौन सी ग्रेड में आप रखना चाहोगे, P1, P2, P3, P4, जो ग्रेड चाहो वो उस ग्रेड में रखो और कंपेयर करोगे रेट में तो 4050 रुपए मेरे पास मिलेगा आपको। आप फ्लिपकार्ट की पेटी में लेते हो ये कितने का पड़ेगा आपको, 4794 रुपए का, बिल्कुल। उसके बाद अगर इसकी बी ग्रेड की P2 की कैटेगरी में लेते हो तो भी आपको ये 6.1 प्लस 4500 रुपए का, ये देखो 4800 से 4500 रुपए, 300 रुपए का फर्क। अब P3 में आ जाते हैं, यही नोकिया का अगर है तो इनके पास नहीं, P3 अभी अवेलेबल नहीं है इनके पास, P4 में है 3050 रुपए का, जब डैमेज कवर करते, जबकि डैमेज तो आपको मैं दे ही नहीं रहा डैमेज का दे ही नहीं रहा, तो आपको ये तो 3000 रुपए का सस्ता महंगा ही पड़ गया। बिल्कुल 400 रुपए ऊपर लेके आपने ये कवर करा लेना है, डैमेज आपको मिलेगा नहीं,
नेटवर्क आपको मिलेगा नहीं, क्यूसी फुल मिलेगी आपको, आप इससे ज्यादा क्या चाहिए कस्टमर? एक और खोलते भाई देखना। अब मैं आपको नोट 10S दिखा रहा हूँ, नोट 10S, अब इसकी कंडीशन देखना, सारी पैकिंग बता रहा हूँ, इसलिए मैं एक एक चीज खोल के दिखा रहा हूँ कि पैकिंग से आप समझ सके। इसमें हर तरीके की पैकिंग आती है, ये सारी पैकिंग्स हैं इसमें, और ये देखो आप इसकी नोट 10S, आप इसको किस कैटेगरी में रखते हैं आप? जो बायर खरीद रहे हैं फ्लिपकार्ट को, देखो फ्लिपकार्ट खरीदना बुरा नहीं है, मैं कह नहीं रहा हूँ बुरा है, मगर कंपेयर करना भी जरूरी है मार्केट में कि आप ले क्या रहे हो, कितना का महंगा बेच रहे हो। में क्या प्राइस है इसका भाई? ये P2P में नोट 10S का 8600 रुपए मेरे पास, 8600 रुपए में आपको मिलेगा। आप इसमें कंपेयर करते हैं नोट 10S को, अब इसमें मिलेगा आपको 10,000 रुपए का, आप पहले ही इसमें 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे चुके हैं। कमाओगे कब? आप समझो कमाओगे कब? बिल्कुल, जब कमाने का मौका दोगे तभी तो कमाओगे, और अमेजोन आपको कमाने का मौका देता है, कोई नहीं देगा, फ्लिपकार्ट कभी नहीं दे सकता, फ्लिपकार्ट सिर्फ ये ग्रेड ही बनाता रहता है, क्योंकि वो उसका क्या काम है, उसका काम ये है कि पहले कस्टमर से खरीदना है, उसके बाद कस्टमर से सेग्रीगेशन करके बेचना है, अगर उसको अच्छा लगा कि बी ग्रेड है तो मैं इसको 20,000 का बेचूंगा कोई चीज, और उसको अच्छा नहीं लगा तो सी ग्रेड में बेच दूंगा, वो खुद कंपेयर करके, खुद कंपेयर करके मार्जिन खुद ही बना लेता है, मार्जिन पहले कमा लिया ना उसने, बी ग्रेड सी ग्रेड डी ग्रेड। अगर आप अमेजोन लेते हो तो ये खुद के मालिक बनोगे, अमेजोन की जगह फ्लिपकार्ट का मालिक आप बन रहे हो, आप बन रहे हो। क्या है कि आपने खरीदा डायरेक्ट कस्टमर से, आपने फ्लिपकार्ट से नहीं खरीदा, ये कस्टमर डायरेक्ट दे रहा है आपको, बिल्कुल कस्टमर से खरीदा, आपने कंपेयर करा, भैया ये 6,000 रुपए में एक एवरेज प्राइस में खरीदा कोई चीज, उसको अगर बी ग्रेड में निकला तो आपने प्राइस पहले कमा लिया, आप कमाओ ना, फ्लिपकार्ट कमा के फिर आप कमाओ, क्या फायदा? क्या फायदा, बिजनेस कैसे करोगे ऐसे करने से? तो फिर बिजनेस करना ही बेकार, करने बेकार है, तो कंपेयर जब तक नहीं करोगे, मार्केट नहीं घूमोगे तब तक कुछ, मैं तभी कह रहा हूँ आप विजिट करके देखो, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, एक बार विजिट कर लिया 100% की गारंटी दे रहा हूँ, 100% की इनकम जरूर होगी। एक नेक्स्ट एक बार और खोलते हैं, मैं आपको 2-4 पीस और खोल के कंपेयर करूंगा, और आपको फ्लिपकार्ट का देखो मेरे पास है, मैं फ्लिपकार्ट में क्या बेचता हूँ ज्यादातर से, अगर कोई कस्टमर चाहे 1% में मुझसे लैपटॉप ले ले, मोबाइल ले ले, सब कुछ दे दूंगा मैं। प्राइस लिस्ट ये देखो, कैटेगरी मेरे पास कोई ऐसी नहीं है जो ना मिले फ्लिपकार्ट की, सब कुछ डायरेक्ट है मेरा, डायरेक्ट। मैं फ्लिपकार्ट क्यों नहीं बेचता, इसीलिए नहीं बेचता, फ्लिपकार्ट बेचना है मेरे को, जो चाहिए देता हूँ, बिल्कुल जिसको चाहिए डायरेक्ट फ्लिपकार्ट वेयर हाउस से ही पेटी उसके यहाँ जाएगी, सारा माल उसी के यहाँ आएगा, हमें कोई नहीं, हमें 1% का मार्जिन होता है, जिसके यहाँ होता है 50% से भी हम काम करते हैं, आधा परसेंट, सबसे कम लो मार्जिन पे हमारा काम है, सबसे लो मार्जिन पे। एक बार और थोड़ा सा खोल लेते हैं, चेक कर लेते हैं, जैसे कि मान लो कोई से भी, ये कौन सा? आप ये पोको का M2 प्रो है, आप इसकी पैकिंग देख लो, पैकिंग पूरी सील मिलेंगी हर तरफ से, कहीं से भी कोई नहीं, कोई टेम्परिंग नहीं। कस्टमर का एड्रेस फिर दिखा देता हूँ, वलसद का है, वलसद का आप देख सकते हो एड्रेस दिया हुआ है कस्टमर का, चेक कर लो। प्राइस की बात करो P2P में मेरे पास प्राइस इसका कंपेयर करोगे तो कितने का है, पोको M2 प्रो 7,800 रुपए का, अब यहाँ कंपेयर करो 8,000 रुपए का P1, अब 1,000 रुपए आप पहली बात दे दो और आप कंडीशन मैच कर लेना, कंडीशन मैच करना और बताना मुझे कि 1,000 रुपए किस चीज के फालतू आप दे रहे हो, ठीक है? एक बार कंपेयर करो उसके बाद मुझे बताना कि आप किस चीज के फालतू देते हो जी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट अच्छा नहीं आता, आता है तो रेट तो आप फालतू पहले ही दे रहे हो, पैसे बहुत ज्यादा दे रहे हैं आप, 400-500 रुपए खर्च करके इस पे रिपेयरिंग कर सकते हो, कॉस्टिंग ले सकते हो, वो भी आपको नहीं आती तो हम करके दे रहे हैं, हमसे ले लो रिपेयरिंग, हम देते हैं आपको रिपेयरिंग। अब कंपेयर करने के लिए ये देखो कंडीशन, आप इसको बताओ कौन सी ग्रेड में डालोगे, आप खुद ही बताओ ग्रेड, अपने हिसाब से बताना ग्रेड, वीडियो देखो सब कुछ देखो कंपेयर करो। अब एक है पोको का X3, अब पोको का X3 ये कितने का दे रहा है, अब पोको का X3 मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो इसकी कंडीशन देखना, थोड़ा सा इसमें क्या है कि जो ग्लास बॉडी है वो बिल्कुल साफ आती है, थोड़ा सा जो इसकी कंडीशन होगी थोड़ा सा रफ होगी, जिसको आप वो भी आप देखो X3, आप मॉडल देखो कि मॉडल क्या निकल रहे हैं, आप कंडीशन देखो। इसका P2P का क्या प्राइस है पोको का? प्राइस P2P में सिर्फ 8,300 रुपए का, इसका 8,300 रुपए का। अब ये पोको कितना मिलता है? 9,400 रुपए, 1,500 रुपए, 1,000 रुपए आप फालतू पहले ही देते हो, पहले दे रहे। अब ये देखो नोट 10 प्रो, मैं आपको एक एक पीस का कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? अब ये देखते जाओ, आज आपको मैं कंपेयर, मेरे को खरीदना बेचना नहीं है जी, तो बेचना खरीदना तो अपने आप ही बिक्री रहता है, वो तो एजुकेशन जरूरी है, कस्टमर को पता होना चाहिए कि मैं खरीद क्या रहा हूँ, खरीद क्या रहा हूँ। अगर खरीदने से पहले अगर नहीं कमाएगा तो फिर पता प्रॉफिट कैसे जिंदगी में कमाएगा, कब कमाएगा? ये लो,
अब इसको बताओ कौन सी कैटेगरी में डालूं? ये देखिए आप बताओ। 10 प्रो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, वीडियो में कमेंट जरूर आने चाहिए, कंपेयर जरूर करना, मार्केट में जाके जरूर विजिट करना, हर जगह जाना। मैं नहीं कह रहा मेरे पास आना, पहले अब हर जगह जाना, रेट करके आना, फिर मेरे पास आना। अगर सस्ता ना मिले चैलेंज प्राइस दे रहा हूँ। सुपर। इसका पीटूपी का प्राइस? पीटूपी का प्राइस आप नोट 10 प्रो आपको मिलता है 9,500 रुपए। यहाँ देख लो नोट 10 प्रो 10,000 22 रुपए का, मतलब आप 500 रुपए पहली फालतू दे दिया, जबकि 500 रुपए आपको देने की जरूरत ही नहीं थी। अब इसमें आपको एक फायदा और, जीबी जो निकल गई आप उस हिसाब से बेच सकते हो, ठीक है। कंडीशन जो निकली आप अपने हिसाब से रेट चार्ट मार्केट में होलसेल कर सकते हो, बिल्कुल। मार्केट में रेट अपना खुद का बना के बेचो, मैं तो कह रहा हूँ खुद का ब्रांड बना के बेचो, जो कि बन सकता है आपका। हमारे पास सिर्फ 100 रुपए का बॉक्स आता है, जिसमें बिल डब्बा आप चार्जर भी मिलता है और आपका केबल भी मिलती है। आपको एक व्हाइट कलर का बॉक्स होता है इस तरीके का, इस तरह का बॉक्स मिलेगा, इसमें आपको चार्जर भी मिल जाएगा, डब्बा मिल जाएगा, आप खुद अपना मैन्युफैक्चर करके बना सकते हो आराम से। रिफर्बिश्ड ब्रांड मेरा है, आप प्रिंट करवाओ इस पे, अपना स्टिकर लगाओ और अपना ब्रांड बनाओ, अपना ब्रांड बना के बेचो, जबरदस्त। ठीक है, पोको M2 प्रो एक और पीस खोलते हैं, चलो पोको M2 प्रो पोको M2 का प्राइस है इसमें 6,650 रुपए। अब इसमें कंपेयर करते हैं, अभी आपको 10,068 रुपए, सिर्फ 6,600 रुपए में 4,000 रुपए पहली फालतू। इतना बड़ा आप सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा मार्जिन तो पहले रख लिया, और माल क्या निकलना है, यही सेम माल होने वाला, सेम माल मिलेगा, गारंटेड कह रहा हूँ, सेम माल। अब चेक करो ये देखो, अगर ना मिले तो बताना मुझे। ये देखो जी कंडीशन देखो, बिल्कुल ब्रांड न्यू। ये देखिए आप, थोड़ा सा स्क्रैच है, ये देखो हल्का फुल्का है बस। इसका बैक पैनल कितने का? 200-500 रुपए, 1,000 रुपए खर्चा मान लो, अरे 200 रुपए से ज्यादा का नहीं, 1,000 रुपए खर्चा मान लो, फिर भी आप कंपेयर करोगे ना मार्केट से तो भी 4,000 रुपए किस चीज के फालतू दोगे आप? बिल्कुल, मैं यही जानना चाहता हूँ फालतू किस चीज के दे रहे हैं आप। ठीक है, तो ये होगा सारी क्यूसी दे रहा हूँ आपको, हर चीज इसको साइड में कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होने वाला पोको का X2 आप ये देखो पोको का X2 कितने का है यहाँ पर? 10,000। और यहाँ पर 10,000 रुपए आप कितना फालतू दे रहे हो सोचो, 7,700 रुपए, 7,700 रुपए का माल 10,000 रुपए पहली दे दिया आपने, 3,000 रुपए तो पहली लूट लिया आपसे। अब बचा क्या, आपको कमाने का मौका तो दे ही नहीं रहा कहीं। फ्लिपकार्ट कब कमाओगे सर, वही पूछना चाह रहा हूँ सवाल आपसे, फ्लिपकार्ट का रेट कब कमाओगे, और वो भी पेटी में, डैमेज भी निकल गया तो भी। ये हो गया, ये सिंगल पीस तो ले नहीं सकते भाई, सिंगल पीस का रेट नहीं है जी, सिंगल पीस का रेट अलग, सिंगल पीस नहीं ले सकते आप, ये होलसेल रेट है। आप इसकी कंडीशन कंपेयर कर लेना, आप मुझे बता देना कि अगर इसमें और उसमें क्या फर्क है, बी ग्रेड सी ग्रेड डी ग्रेड जो आप कहते हो। बिल्कुल, अमेजोन का माल कोई खराब नहीं आता, कहने थे पहले था, अब जो क्यूसी पैरामीटर है वो सारे चेंज हो चुके हैं। जो पहले काम कर रहे थे मार्केट में तो इस पे और ज्यादा काम हो रहा है, पीछे से बैकएंड से काम हो रहा है, तभी ये माल की क्वालिटी अच्छी हो रही है। बिल्कुल, रेडमी का नोट 9 पावर क्या होने वाला भाई? भैया जल्दी जल्दी मैं कंपेयर करता हूँ, सारी चीजें जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। ठीक है, नोट 9 प्रो दिखाने वाला था, नोट 9 प्रो आप देख कंपेयर, 9 पावर जो कि ये भी 6,600 रुपए के करीब है मेरे पैकेट में। Okay. और अभी मैं आपको P2P का भी कंपेयर करा देगा। विवेक निकालना जरा P2P में क्या रेट है, और हम इसको खोलते हैं 9 पावर का रेट, और यहाँ पर नहीं है अपने में। अब इसकी कंडीशन देखो और फ्लिपकार्ट का प्राइस देखो, 9 पावर अप्रोक्स हमारे पास 5,600-5,700 रुपए के आसपास का है। नोट 9 पावर है अपना, ये देखो 7,000 रुपए का अपने पास, 6,600 रुपए का सर, 6,600 रुपए का, 6,600 रुपए में आता है P2P में, जबकि अमेजोन दे रहा है 7,600 रुपए का। 600 मतलब आप सोचिए 1,000 रुपए आपसे पहले कमा लिए उसने। अब नोट 7S हम दे रहे हैं 5,150 रुपए का, फ्लिपकार्ट भाई साहब दे रहे हैं 5,700 रुपए का, ये लो बताओ। और अब इसकी कंडीशन देखो, सेम मस्त कंडीशन, जैसा फ्लिपकार्ट निकलता है वैसी अमेजोन से अच्छा अभी तक कोई स्टॉक बता दे मेरे को, मैं कंपेयर करने के लिए तैयार हूँ उसके साथ बैठ के, पीस कंपेयर करके दिखाऊंगा। अगर कोई चैलेंज करे मेरे से, मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। फ्लिपकार्ट का माल लिया है, पेटी लिया है, और मेरे माल खुलवा ले उसी अमाउंट में, 2,00,000 की पेटी है और 2,00,000 का मेरा माल, अगर उससे ना 2,50,000 रुपए कमा के दे मेरी पेटी से ज्यादा, तो मेरे को कह देना, मैं कह रहा हूँ कह देना मुझे,
गारंटेड कह रहा हूँ, गारंटेड 50,000 रुपए कमा के दूंगा मैं आपको, यहाँ पर गिनवाऊंगा आपको, सेम पेटी सेम अमाउंट सेम सब कुछ। ओके डन एकदम। रियलमी सिंगल पीस के लिए कोई कॉल ना करे, रियलमी 7 का भी एक कंपेयर करा देता हूँ, और कंपेयर आपको रियलमी वीवो सब मैंने कंपेयर करा दिया, सारे मॉडल आते हैं डेली आते हैं, और डेली 10 से 7 के करीब ही कॉल करें प्लीज, उसके बाद ना कॉल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये देखिए अब इसकी कंडीशन देख लो, रियलमी 7 है ये, और रियलमी 7 हमारे पास है 7,590 रुपए, 7,570 रुपए। और अब फ्लिपकार्ट की बात करें तो 8,200 रुपए, मतलब आप समझ लीजिए कितना एक्स्ट्रा, कितना देना चाहते हो आप एक्स्ट्रा। आप पहले ही आप ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड में पहले ही लूट रही हो, तो बताओ कैसे आपका बिजनेस चलेगा, बिजनेस तो कर ही नहीं पाएंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बार आइए विजिट करिए, मैं आपसे कॉन्फिडेंस से इसीलिए कहता हूँ यहाँ खड़े होके, क्योंकि मुझे 7 साल हो चुके हैं इस लाइन में, और 7 साल से मैं इस चीज को कर रहा हूँ, अजमा रहा हूँ, सारी चीज जानकारी है, इसलिए मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, आप एजुकेशन से आगे बढ़ सकते हो। हाँ मैं कहता हूँ सारी वीडियो देखा करो, एजुकेशन लेना जरूरी है, सबकी देखो, मना नहीं है किसी की, सबको देखो, बस रेट कंपेयर जरूर करो सबसे, क्योंकि पैसे का सारा खेल है। देखो पैसा जब तक कमाओगे नहीं, आप नहीं बढ़ोगे आगे, तो मैं कैसे बढ़ूं, मैं कैसे बढ़ूं? बस मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ो, मार्केट से जो इधर उधर का जो है वो उससे बच जाओ। बिल्कुल, जीएसटी बिल मिलता है, एक तो आप जो कस्टमर से खरीदते हो वो रेट आपको बेशक सस्ता मिल जाए, मगर आपको उसमें एक रिस्क है, कब चोरी का मिल जाए, कब क्या हो जाए। यहाँ आपको जेन्युइनिटी मिलेगी, जीएसटी बिल मिलेगा आपके घर, आप कोरियर करा सकते हो, सीओडी करा सकते हो, होलसेल वालों के लिए सीओडी का अवेलेबल है, यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगा, मेरे पास सीओडी अवेलेबल है, आप सीओडी करा सकते हो, कुछ अमाउंट है 10%, आपको 10% देना होता है बस, आपके घर पहुंच गया माल, आपको खुलवाना है वीडियो कॉल पे खुलवाइए, आपको पैकेट सील चाहिए सील पैकेट अपने घर मंगाइए। ओके भाई जी बिल्कुल डन, अगर कोई विजिट करना चाहे एक बार एड्रेस कंफर्म करा दो, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एड्रेस है, बाकी मैं बता देता हूँ, मेवला मानकपुर मेट्रो सबसे नियर बाय पड़ता है, पिलर गेट नंबर 1 या 2 से आप निकलेंगे बाहर, पिलर नंबर 580 से आप लेफ्ट होकर टी पॉइंट आएगा, टी पॉइंट से हाउस नंबर 862 के सामने सेकंड और थर्ड फ्लोर 3,000 स्क्वायर फीट पे एसईओ 17 मोबाइल बीच फरीदाबाद सेक्टर 31 में है। सुपर एकदम डल। ओके भैया थैंक यू सो मच। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को काफी पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी, लाइक से सब्सक्राइब, थोड़ा सा सोशल बता कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आता रहा हूँ, और बहुत अच्छा मार्जिन है यार, बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ हो जाएगा अगर आप ये लेना चाहेंगे, स्टॉक की कोई कमी नहीं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो मिलते हैं कल फिर शाम को 5:30 बजे के करीब एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।